मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से। यूपी के थानों में सुरक्षित नहीं है खाकी। जालौन में महिला पुलिसकर्मी के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। थाने में तैनात साथी सिपाही ने महिला कांस्टेबल के साथ रेप की वारदात को दिया अंजाम। कई बार धमकाकर महिला सिपाही की अस्मत को किया तार-तार। साथी सिपाही करमवीर के करतूत ने खाकी को किया शर्मोसार। महिला सिपाही द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपी सिपाही को किया गया गिरफ्तार। जालौन के नदीगांव थाना क्षेत्र की घटना। ये खबर आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो पर जालौन से, जहां खुद थानों में खाकी सुरक्षित नहीं है। जालौन से एक मामला सामने आया है सनसनीखेज, जहां महिला पुलिसकर्मी के साथ साथी सिपाही ने ही रेप की वारदात को अंजाम दिया है। कई बार धमकाकर महिला सिपाही की अस्मत को तार-तार किया गया। महिला सिपाही के द्वारा उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया। जालौन के नदीगांव थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। जालौन मेट्रो कोच संवाददाता रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। सर, आरक्षी पर दुष्कर्म का आरोप है, क्या है पूरा मामला? जिला जालौन के थाना नदीगांव का यह प्रकरण है। थाना नदीगांव में एक लेडी कांस्टेबल तैनात थी, उसने अपने कुलीग के विरुद्ध सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक शिकायत दर्ज कराई। पॉश एक्ट के तहत इस शिकायत पर सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी ने इसकी जांच करी। एक 8 सदस्यीय कमेटी है जिसने इसकी जांच करी। विस्तृत जांच के बाद उसने 2 संस्तुतियां की, 2 रिकमेंडेशंस किए। एक कि आरोपी कांस्टेबल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की जाए। दूसरी संस्तुति थी कि आरोपी कांस्टेबल के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाए। दोनों संस्तुतियों पर कार्रवाई हो रही है। आरोपी कांस्टेबल के विरुद्ध डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो गई है। वह नदीगांव थाने में उसके विरुद्ध FIR भी पंजीकृत करा दी गई है। आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया और आज उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। आगे की जो विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।